नमस्कार दोस्तों, कार मेयर के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है नए रूल्स और नए नॉर्म्स, नए ही जुर्माने की जो अमाउंट है वो बढ़ गई है। ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। ट्रैफिक के लिए अगर आप ट्रैफिक को कुछ रूल तोड़ते हैं तो उसके लिए कुछ नए नियम आए हैं, कुछ नए नियम ऐड कर दिए गए हैं। अगर वो नियम आप तोड़ते हैं तब भी आपका चालान हो सकता है। मैं तो डर गई। और दूसरी बात, जो पिछले वाले जुर्माने थे उनसे जुर्मानों की जो अमाउंट है वो बढ़ा दी गई है। तो इसलिए सावधान सतर्क रहकर ही गाड़ी या दोपहिया वाहन चलाएं। दोस्तों, सबसे पहली बात दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए, अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं पहली बार में 1000 रुपये का जुर्माना है, दूसरी बार में आपका 2000 रुपये का जुर्माना होगा और साथ ही आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, रद्द हो सकता है 3 महीने के लिए। तो अगली दोस्तों टॉपिक, दूसरा टॉपिक है वो है बच्चों के लिए। जब आप बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, अगर आपके साथ एक बच्चा जा रहा है, दो पर्सन्स आप बैठे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, कोई भी दो पर्सन्स बैठे हैं, तीसरा साथ में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है, तब भी आपका चालान हो सकता है, यानी कि वो ट्रिपल राइडिंग गिनी जाती है। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि जो आपके साथ बच्चा जा रहा है, अगर आप केवल बच्चे को ही साथ में लेके जा रहे हैं, उसकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है लेकिन उसने हेलमेट नहीं पहना, फिर भी आपका चालान हो सकता है। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि अब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट लेके जाने की साथ में ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे लाइसेंस है या इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, ये सर्टिफिकेट्स हमें साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है फिजिकली। अब इसके लिए डिजी लॉकर को कंपलसरी कर दिया गया है कि डिजी लॉकर के अंदर आपने रखे हुए डॉक्यूमेंट तो वो वेरीफाई किए जा सकते हैं। जहां पे भी ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकते हैं वहां पे आप डिजी लॉकर में से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, वो एक वैलिड चीज़ हो गई है। साथ में ही फिजिकल के साथ आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो, कोई इसकी दिक्कत नहीं है। पाँचवीं बात दोस्तों इसमें ये जुड़ी हुई है कि जो आपका डिजी लॉकर है उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जब भी चेक होंगे वो जो पुलिस अधिकारी उसको चेक करेगा, उसकी और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी। छठी इसमें बात ये जुड़ी हुई है कि जब कोई भी किसी भी कारण से कोई आपका चलान होता है, कोई भी ऐसी जुर्माना कोई भी लगता है आपका, तो वो पोर्टल के ऊपर अपलोड होगा, ऑन द स्पॉट वो आपको जुर्माना कर सकते हैं, वहीं पर जुर्माना हो जाएगा। जब आपके पास फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट जब्त नहीं होते, तो पोर्टल के ऊपर आपका जुर्माना लगेगा और वो पोर्टल के ऊपर शो होता रहेगा जब तक आप जुर्माना पे नहीं कर देते। ये सब चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखने वाली हैं, ध्यान में रख के इन चीज़ों को चलिए और सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रोड के ऊपर ख़ास तौर से सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो जुर्माने बढ़े हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, किस किस एक्ट के लिए क्या क्या जुर्माना अब लग सकता है और क्या अमाउंट बन गई है उसकी। दोस्तों शुरुआत करते हैं, पहला है दोस्तों जो नॉर्मल आपके जो कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी नॉर्मल सी प्रॉब्लम, किसी ने रोका आपको, आपने अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया या कुछ भी ऐसे छोटे मोटे होते हैं, पहले उसका 100 रुपये जुर्माना होता था, अब इसका 500 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। पहले रेड सिग्नल तोड़ने का जुर्माना 100 रुपये होता था, अब वो भी 500 रुपये कर दिया गया है। अनऑथोराइज व्हीकल अब चला रहे हैं, विदाउट लाइसेंस चला रहे हैं, तो पहले उसके लिए 1000 रुपये जुर्माना होता था, अब वो जुर्माना सीधा 5000 रुपये कर दिया गया है। अयोग्यता के बावजूद आप गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है या लाइसेंस आपके पास नहीं है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, या आपका लाइसेंस रद्द हो चुका है फिर भी आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके ऊपर पहले 500 रुपये जुर्माना था, अब सीधा ही 10000 रुपये जुर्माना हो गया उसका। अब विदाउट लाइसेंस अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। पहले ओवरसाइज व्हीकल का कोई भी जुर्माना नहीं होता था, अब उसका जुर्माना 5000 रुपये है, तो ये भी ध्यान में रखिए। ओवर स्पीड का पहले सिर्फ 400 रुपये चालान होता था, अब वो चालान सीधा ही 1000 रुपये का कर दिया गया है। भारी भरकम इजाफे हो रहे हैं तो सतर्क रहिए। डेंजरस ड्राइविंग का जो जुर्माना है पहले 1000 रुपये होता था, अब 5000 रुपये हो गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव का जुर्माना 2000 रुपये होता था पहले, अब वो सीधा ही 10000 रुपये कर दिया गया है। ओवर स्पीड या रेसिंग करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं तो पहले 500 रुपये जुर्माना होता था, अब 5000 रुपये जुर्माना हो गया। ओवरलोडेड व्हीकल का पहले 2000 रुपये जुर्माना होता था और 10000 रुपये प्रति टन का जुर्माना होता था, अब ये जुर्माना सीधा ही 2000 की जगह 20000 रुपये कर दिया गया है और उसके बाद 2000 रुपये प्रति टन का जुर्माना एक्स्ट्रा है। सीट बेल्ट का पहले जुर्माना सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये था, अब 1000 रुपये हो गया है।
विदाउट परमिट अगर आप गाड़ी चलाते हैं तब 10,000 रुपये कर दिया गया है। अगर आपकी लाइसेंस कंडीशंस ओके नहीं है तो पहले कोई भी इसका प्रावधान नहीं था, कोई जुर्माना नहीं था, अब इसका जुर्माना डिपेंड करता है ट्रैफिक कर्मी के ऊपर, वो कंडीशन देख के बता सकते हैं, 25,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक इसका जुर्माना है। अब पैसेंजर ओवरलोड कर रखे हैं अगर आपने अपनी गाड़ी में तो पहले कोई जुर्माना नहीं था, अब 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि अगर 4 पर्सन्स के बैठने की जगह और आपने 6 पर्सन बिठा रखे तो एक्स्ट्रा जो 2 पर्सन्स हैं 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपका जुर्माना किया जाएगा उसका। 2-व्हीलर के ऊपर अगर आपने ओवरलोडिंग कर रखी है तो फिर पहले 100 रुपये जुर्माना होता था, अब ये जुर्माना 2,000 रुपये कर दिया गया और लाइसेंस भी 3 साल के लिए रद्द किया जा सकता है। विदाउट हेलमेट अगर आप चलते हैं तो पहले 100 रुपये जुर्माना था, अब 1,000 रुपये जुर्माना है और साथ में 3 महीने के लिए लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। एमरजेंसी व्हीकल को अगर आप रास्ता नहीं देते, जैसे कि फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को आप रास्ता नहीं देते, तो पहले कोई भी जुर्माने का प्रावधान नहीं था, अब ये जुर्माना 10,000 रुपये का कर दिया गया है। अब विदाउट इंश्योरेंस आप चलते हैं तो 2,000 रुपये जुर्माना है, पहले ये जुर्माना 1,000 का हुआ करता था। तो दोस्तों ये सारे जुर्माने, कईयों की तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम, इतनी परसेंटेज बढ़ गई है कि आपकी जेब के ऊपर बहुत ठीक ठाक सा भारी पड़ेगा। कई लोग पहले क्या करते थे कि विदाउट हेलमेट जा रहे हैं कोई बात नहीं, 100 रुपये की बात है, हम जुर्माना दे देंगे, लेकिन ये एक तो सबसे बड़ी मूर्खता है और दूसरी बात दूसरे लोगों के लिए भी सेफ्टी का एक इशू बन जाता है कि वो लोग भी आपको देख के, अगर आप विदाउट हेलमेट चल रहे हैं तो कोई पर्सन पीछे से आ रहा है, देखते हैं कि आपको चोट ना आ जाए, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं चोट खा बैठे हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं वो भी। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। जुर्माने भी बढ़ा दिए गए हैं, ट्रैफिक के नए रूल्स आने के कारण थोड़े से रूल और भी ऐड हो गए हैं, तो आपको बताना मेरा फ़र्ज बनता था। तो बताइएगा दोस्तों ये आज का अपडेट, आज के ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए सबके साथ, नहीं भी पसंद आए तब भी शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है इसको। ये सारी चीज़ें सबको पता होनी चाहिए, सतर्क रहें और नए सारी गाइडलाइंस के साथ आपको जानकार और जागरूक भी रहना चाहिए हमेशा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं और जो लोग 2-व्हीलर चलाते हैं वो हेलमेट जरूर पहने, लेन चेंज करते वक्त ध्यान रखें, सावधानी बरतें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।